हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में शब्द रूप नर का शब्द रूप सिखाएंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको शब्द रूप में क्या लिख लेना है, ऊपर में विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को लिख लेना है। विभक्ति में प्रथमा, प्रथमा में, एक वचन में नरः, द्विवचन में नरो और बहुवचन में नरा। विभक्ति द्वितीया, द्वितीया में एक वचन में नरम, द्विवचन में नरो और बहुवचन में नरान। तृतीया, तृतीया विभक्ति में एक वचन में नरेण, द्विवचन में नराभ्याम और बहुवचन में नरे। चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में नराय, द्विवचन में नराभ्याम और बहुवचन में नरेभ्य। पंचमी, पंचमी विभक्ति में एक वचन में नरात, द्विवचन में नराभ्याम और बहुवचन में नरेभ्य। षष्ठी, षष्ठी विभक्ति में एक वचन में नरस्य, द्विवचन में नरयो और बहुवचन में नराणाम। सप्तमी विभक्ति में एक वचन में नरे, द्विवचन में नरयो, बहुवचन में नरेषु। संबोधन, संबोधन में एक वचन में हे नर, द्विवचन में हे नरो और बहुवचन में हे नरा। तो चलिए इसको और एक बार हम पढ़ा देते हैं। प्रथमा, नरा, नरो, नरा। द्वितीया, नरम, नरो, नरान। तृतीया, नरेण, नराभ्याम, नरे। चतुर्थी, नराय, नराभ्याम, नरेभ्य। पंचमी विभक्ति, नरात, नराभ्याम, नरेभ्य। षष्ठी, नरस्य, नरयो, नराणाम। सप्तमी, नरे, नरयो, नरेषु। संबोधन, हे नर, हे नरो, हे नरा। इसका कुछ नियम है, इसका कुछ रूल्स है, देखिए वो क्या है। र, री तथा श, मधनुष के बाद न, न का अढ़ा हो जाता है। इसका प्रयोग क्या में हो जाता है, अढ़ा में हो जाता है। जैसे नरेण, नराणाम। देखिए यहाँ पर तृतीया में नरेण, यहाँ न नहीं है, ये जो दंतना होता है न से नल वो नहीं है, यहाँ अढ़ा है, मर्धना का प्रयोग हुआ है। तृतीया में है और यहाँ देखिए षष्ठी का बहुवचन में देखिए नराणाम। ये दोनों आपको याद रखने होगा कि ये जगह तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन और यहाँ देखिए षष्ठी का जो बहुवचन है, यहाँ पर न यानी दंतना नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर अढ़ा का प्रयोग होगा, मर्धन्ना का प्रयोग होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। नरेण, नराणाम। किंतु अंत में न का रूप अपरिवर्तित रहते हैं दंतना का, जैसे देखिए नरान, ये देखिए नरान, इसका रूप में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अंत में, यहाँ पर दंतना अगर है तो इसका रूप में परिवर्तन नहीं होता है, ये इसका रूल्स है। तो बच्चों आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, नर का शब्द रूप को आप कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको आप याद भी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, नर का शब्द रूप।
तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।